So hi, मैं देवदत्त अग्रवाल, इट्स अ टेलीकॉम से 28 अगस्त बैच. हेलो. यस सर. एक हमारे पास फोन है, ये पोको S3 प्रो. इस फोन के अंदर ये डेड है और ये एक 8 MPA ले रहा है. इसमें हम बैटरी लगाएंगे और रीडिंग लेगा, तो बेसिकली हम इसको जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ गर्म हो रहा है, किधर गर्म हो रहा है, क्योंकि रेल ऑफ कैपेसिटर्स इसमें बहुत सारी शॉर्ट है. बट हमें समझना है कि शॉर्टिंग किधर है. अब बहुत बंच ऑफ कैपेसिटर्स अगर शॉर्ट हो तो उसमें से एक सिंगल कैपेसिटर कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये तरीका आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ और ये क्लास में बता रहा हूँ. हालांकि आप आज सेकेंड डे आपका, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपको इसको एक बहुत अच्छे से बेस्ट क्लास दी जाएगी आप लोगों को. हेलो. यस सर. हम डेली एक केस स्टडी समझेंगे. तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं ये कितना क्या एम्पियर ले रहा है. और सबसे पहले आप ये समझो कि किसी भी डेड फोन पर, बोलो, किसी भी डेड फोन पर अगर वो पोर्ट नहीं बना रहा है, अगर वो पोर्ट नहीं बना रहा, ये पोर्ट नहीं बना रहा, सॉफ्टवेयर लायक नहीं है, नहीं है. कभी भी ध्यान रखना, कोई भी डेड फोन सबसे पहले जब भी वहां पास आए, ये एक अच्छी चीज है कि हम डे 2 से डेड देखें. हेलो. यस सर. ताकि हमारे को दिमाग में आए कि हमें आके करना क्या है. समझ आ रहा है? यस सर. क्लास में तो पढ़ेंगे, डेली में हो सकता है कहीं से कुछ भी उठा सके हम. यस सर. अगर कोई सेट, जैसे मेरे पास इस बंदे ने ये सेट है, ये सेट का क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे डीसी में नहीं लगाऊंगा, एम्पेयर नहीं चेक करूंगा, मैं फोन को खोलूंगा ही नहीं, मैं सबसे पहले लैपटॉप में लगा के नॉर्मल पोर्ट बनाने की कोशिश करूंगा. हेलो. यस सर. अगर वो ईडियल पोर्ट बनाता है, मीडियम टेक पोर्ट बनाता है, स्पीडी का, जो हम तब सीखेंगे कि पोर्ट कैसे बनते हैं दुर्गेश सर की क्लास में, सॉफ्टवेयर की क्लास में, तो हमें पता चल जाएगा. बट पोर्ट बनाता है तो हम सबसे पहला सोल्यूशन है फ्लैशिंग. यस सर. क्या अटेम्प्ट करेंगे? फ्लैशिंग. बोलो. फ्लैशिंग मतलब सॉफ्टवेयर करेंगे. समझ रहे मेरी बात? यस सर. पोर्ट बनाने का मतलब है कि उसकी पावर आईसी ओके है. हेलो. यस सर. क्योंकि पोर्ट बनता तब है जब इवेंसी को, या हम बात करें जब नॉर्मल पोर्ट, जब इमेंसी को पूरे वोल्टेज एलडीओ के मिल रहे हैं और सीपीयू अपना कोर वोल्टेज बना रहा है, क्योंकि सीपीयू को कोर नहीं मिलेगा तो सीपीयू पोर्ट नहीं बनाएगा. मतलब सीपीयू के सारे बक ओके है. हेलो. यस सर. बक ओके है, दैट मीन पावर आईसी ओके है. इसलिए अंदर चेक करने का ज्यादा बनता नहीं है, पोर्ट बना रहा है मतलब इमेंसी पे. अगर सॉफ्टवेयर में फेल हुआ तो सॉफ्टवेयर में कुछ कोड होते हैं, जिस कोडों को आप यहाँ सीखोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको इमेंसी के अंदर जाना है या रैम के अंदर जाना है. हेलो. यस सर. ये सिखाएंगे आपको मिलन सर. समझ आ रहा है मेरी बात? यस सर. कि एक फ्लैशिंग मोबाइल में जब डेड होता है या एरर आता है, तो वो एरर को क्या पढ़ना है, वो एरर को डीकोड करेंगे अपन. तो अगर पोर्ट ही नहीं बन रहा है, हेलो, yes, तो फिर वो हमारे लिए एक हार्डवेयर सोल्यूशन है. क्या है? हार्डवेयर सोल्यूशन की तरफ जाना है. फर्स्ट एंड फर्स्ट पहला काम हमारा होना चाहिए आई डायग्नोस. बोलो. आई डायग्नोस. हाँ, मतलब फोन को निकालो, कुछ भी मत, डीसी में भी मत लगाओ सबसे पहले. और दूसरी बात, जो हम अगर हम एम्पियर लेकर अपने यूएसबी एम्पियर से उसको चेक भी करेंगे, तो भी हम कुछ 100% सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली चार्जिंग सेक्शन के लिए, डायरेक्ट के लिए नहीं है. क्योंकि देखो, मैं आपको एक सीधी सी सिंपल सी बात बताऊं, जितने भी यूट्यूब है, हमने भी बनाया, हमने तो कितना बनाया, मोस्ट ऑफ, ये मैं दावा करता हूँ पूरे वीडियो में, कि जितने मैंने बनाए हैं अकेले ने, उतने आज तक किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं बनाया. बात समझ रहे मेरी बात? यस सर. 2000+ या 3000+ तो सिर्फ मेरे चैनल में वीडियो है, जिसमें आईफोन और एंड्रॉइड के दोनों है, और मेरे दो चैनल है और दोनों एक लाख से ऊपर है. समझ रहे हो? यस सर. मैं बहुत बना चुका हूँ, बट अभी जो मार्केट में वीडियो बन रहा है वो है कि सर डेड फोन में लगाया, 0.6 आया, किसी ने बोल दिया एमएमसी पे है, किसी ने बोला नहीं है, तो ये सारी बातें बहुत हो रही है. कोई कह रहा 0.6 पे एमएमसी पे भी आ सकता है, कोई कह रहा 0.6 पे एमएमसी पे नहीं आ सकता. तो जब आप 100% चीज नहीं बता पा रहे हो, तो उसको देखने का मतलब नहीं है. तो कहने का मतलब है, हम एम्पियर नहीं चेक करेंगे, हम सबसे पहले आई डायग्नोस्टिक्स करेंगे. हम पहले देखेंगे हमें क्या क्या देखना है. फर्स्ट, कोई भी रस्टिंग, जंग या वाटर डैमेज में धब्बा, पानी या टूटा हुआ आईसी, टूटा हुआ आईसी. और हमें यह भी देखना है कि कौन कौन सा पता उतरा. हमें यह पता चल जाता है कि उधर किधर लोगों ने क्या क्या काम किया है. इवन हम ये भी कर सकते हैं, देखो मैं धीरे धीरे बताता हूं, देखते जाओ. तो पहले तो हम देखें कि नेटवर्क सेक्शन के अंदर तो काम नहीं हुआ है. हेलो. यस सर. इस फोन में नेटवर्क सेक्शन में काम नहीं हुआ है, ये सेक्शन भी बंद है, और ये सेक्शन में कोई पानी के ऐसे दिख नहीं रहे, और कंपोनेंट भी कहीं से निकले हुए नहीं दिख रहे या उचकाए हुए नहीं दिख रहे. ये कैमरा इसमें लगा हुआ है, तो कैमरा निकाल लेंगे, क्योंकि विदाउट
सारे हमें एक्सेसरी सब निकाल देनी है बाहर। कैमरे के कनेक्टर देखना है टूटा हुआ नहीं है, अंदर जंग मतलब कहीं पर रेस्टिंग या कोई शोल्डर वोल्डर फंसा तो नहीं है, ये भी देखना है, ये भी टूटा नहीं है, ये कॉम्पोनेंट भी छूटे हैं, कोई कैपेसिटर पे, अच्छा कोई कॉम्पोनेंट पे ये भी नहीं लग रहा कि कोई सोल्ड किया हुआ है, क्योंकि कॉम्पोनेंट पे अगर जम्पर मारा हो तो ये भी पता चल जाता है। हेलो बारीक बारीक जितनी नजर डालोगे उतना ही नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पर हल्का सा आपको पेज दिखाई दे रहा है इस आईसी पे। अब देखो ये आईसी अगर हम बात करें अगर नॉन पेस्टेड है तो हम कैसे बताएं कि ये आईसी रिवॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। तो इसका सबसे अच्छा है कि बिना बोलो बिना फ्लैक्स फ्लैक्स अगर हम इसको थोड़ा सा हीट करें और अगर इसके अंदर से पेस्ट बाहर आ जाए तो ये समझो कि ये रिवॉल्व हुई है, क्योंकि रिवॉल्विंग पेस्ट में अंदर पेस्ट होता ही है। हेलो और वो थोड़ा सा हीट देने पर क्या हो जाता है, तो ये समझ में आ जाएगा कि भाई सामने वाले मैंने इस आईसी पर काम किया है। क्या ये सारे बग कैपेसिटर है ये भी सही दिख रहे हैं, ये आपका पीएम मेन है, ये आपका कोर आईसी है, ये सब मैं कल बताऊंगा, कल आपके एलईडी फ्लैश टॉर्च आई टॉर्च और एप्टिक फ्लैश, ये आपका ऑडियो आईसी है, ये दो चप्पल के साथ, ये एंटीना सॉकेट, ये सारी चीजें। अब ये आपका अगर सीपीयू की बात करेंगे डुअल लेकर है तो सीपीयू इसका रिवॉल्व है ऑलरेडी देख रहे हैं आप, ये पेस्टेड होता है क्योंकि अब यहाँ पे तो पेज दिखाई नहीं दे रहा है, जब ये बॉल दिखाई दे रहा है तो पेज कहाँ से दिखाई देगा, पेज होता तो पूरा ब्लैक होता, बॉल दिखाई देते नहीं ढका होता। अब मतलब सीपीयू पेज मारा सीपीयू रिवॉल्व मारा है और ये आईसी पेस्टेड है, ये आईसी पे काम नहीं हुआ है और यहाँ इस आईसी पे काम हुआ है। यहाँ पे देखो कॉम्पोनेंट निकाले हुए ना, देखो यहाँ पर यहाँ देखो कचरा भी है हल्का सा और यहाँ पर कुछ कॉम्पोनेंट निकले हैं क्योंकि यहाँ पर ये एनसी दिखाई नहीं दे रहे, एनसी तो अलग ही दिखाई दे रहे फ्लैट है पूरे के पूरे, ये आपकी पावर की वॉल्यूम की, फिर आपका ये आपका एपीटी आईसी है, पीवीटी आईसी नेटवर्क के लिए वोल्टेज बनाता है, ये आपका ये धीरे धीरे ये सब बताऊंगा, ये ऑडियो आईसी है, ये मेन कंट्रोलर है ऑडियो का, ये आपका रिंगर ऑडियो है और ये जो लगा है ये रिसीवर ऑडियो है, ठीक है, ये आपके जो मॉसफेट लगे हैं तो ये आपके बेसिकली आईओ पॉइंट है, ये बताऊंगा बैटरी के साथ सब बताऊंगा मैं धीरे धीरे हर चीज पढ़ाऊंगा, ये आपके एलडीओ लगे हैं, ये कैमरे के एलडीओ है, ये एलडीओ कैमरे को वोल्टेज देने का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि डीसी में क्या रीडिंग ले रहा है, क्योंकि हमें डीसी से सब कुछ पता चल जाता है, अगर डीसी के एम्पियर में आपको जो बताऊंगा वो सबसे बेस्ट रहेंगे, आप एम्पियर से बता दोगे कि आपकी पावर ओके है नहीं है क्या है, ये करके देखो लाल का है खोलो टच करने के लिए नहीं रे ये दे दो। चलो देखो अब हम सबसे पहले हमारे बैटरी में हम रीडिंग देखते हैं और हम देखते हैं हमारा वीबैट है कौन सा, क्योंकि हमें पता नहीं है हमें कहाँ टच करना है, कहीं भी टच करेंगे कनेक्टर जलेगा, क्योंकि अगर आप माइनस को उल्टा लगाओगे ना तो एम्पियर लोड लेता है जिस वजह से कनेक्टर जल जाता है, जनरली ये कनेक्टर जल जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि विदाउट केबल हटाए नीचे से टाइप सी केबल हटाए कनेक्टर लगाते हैं, जिस वजह से ये केबल ये कनेक्टर जल जाते हैं। तो अभी अब क्या करना है, सबसे पहले डायोड मोड पर रखना है और इसका जी आर उठाना है, तो वीबैट का जी आर अभी हम परसों की क्लास में पढ़ेंगे, नर्सों की क्लास में 300 से 700 जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 509 आ रहा है स्टेबल है, इसका मतलब वीबैट तो ओके है। हेलो यस सर, और ये वीबैट है और ये आपका ग्राउंड होने वाला है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा ये टेस्ट पॉइंट प्लस का है और ये वाला जो टेस्ट पॉइंट है ये नहीं ये माइनस का नहीं है, माइनस के टेस्ट पॉइंट में बीप आ रहा है यहाँ पर, तो बीप आएगा यहाँ पर, ये माइनस का नहीं है ये माइनस का नहीं है ये माइनस का नहीं है, 0 0 आना चाहिए, ये माइनस का, ये प्लस है और ये माइनस है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसकी रीडिंग देखेंगे, तो ये एक ऑटो रीडिंग सेट है ये तो अब देखो, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है हमारे डीसी सप्लाई मशीन को हमें 5 एम्पियर पे नहीं रखना, ये बहुत गलती है। 5 एम्पियर हम तब रखते हैं जब हमारे फोन को शॉर्ट क्लियर यूज करना हो, फोन को ऑन करने के लिए 3 एम्पियर लेना है, तो हम इसको 3 एम्पियर पे करेंगे, तो हम देखेंगे, तो हम यहाँ पर दिखाओ जरा इसको थोड़ा नीचे करो,
जूम करो, अब देखो वो भी देखा, डिस्प्ले भी देखे उसका, हाँ। अब हम इसको 3 एम्पीयर करेंगे, तो हम ये दबाएंगे ये वोल्टेज और करंट, और इससे इसको कम करेंगे, 3 हो गया। अब ये M2 दबाए रखेंगे, तो ये M2 पे लॉक हो जाएगा यहाँ पर, तो हम M2 को दबाएंगे, ये M2 लॉक है। अब ये हमारा 3 एम्पीयर के साथ है, अब हम जब भी बदलेंगे तो ये 3 ही आएगा, देखो ये 5 3। जैसे इसको हमें 2 करना है, 2 करते नहीं है, पर हम फिर भी जैसे 1 एम्पीयर, तो इसको लॉक कर देंगे, 3 में दबा देंगे, ठीक है। अब ये 2, ये 2, ये 3, ये 5, अब 5। अब ये हमारा आउटपुट है, तो ये हम ओके करेंगे। अब हम इसको टच करेंगे। सबसे बेस्ट डीसी सप्लाई मशीन आपको यही परचेज करनी है, कोराट की 3005, यही आपका। सनशाइन की मत करना, सनशाइन की डीसी पावर सप्लाई में ऑन ऑफ बटन नहीं है, वो ऑलवेज ऑन रहेगी, खुली रहेगी। अब इधर कैसा है, ये ऑन ऑफ बटन है, ऑन ऑफ बटन मतलब आप इसको ऐसा पूरा बंद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये दबा दो तो एटलीस्ट आपका, क्योंकि अगर वायर शॉर्ट हो गया तो ये डीसी सप्लाई मशीन का ट्रांसफार्मर जल सकता है। तो ये आप मान लो चले गए दुकान से, वायर शॉर्ट हो रहा है पीछे, तो एकदम से फैन चलने लग जाएगा, बहुत तेज आवाज आएगी, और ये अंदर का ट्रांसफार्मर के कॉइल को जला देगा। कहने का मतलब है, तो इसलिए ऑन ऑफ बटन होना, क्योंकि हम क्या है ऐसे ही बेसुध में काम करते हैं कई बार, तो एकदम से सडनली जाना हुआ और ये आपस में बाहर टच हो गई तो गेम भारी हो जाएगा, इसलिए इसको ऑन ऑफ वाले मोड में लेंगे। तो अब हम इसको ऑफ करेंगे, अब हम यहाँ पर इधर लगाएंगे माइनस और इधर लगाएंगे प्लस। तो देखो क्या ले रहा है ये, 8 एम्पीयर, तो इसका मतलब ये 8 एम्पीयर ले रहा है। अब हमें क्या समझना है, सबसे पहले है तो हम बैटरी से क्या क्या समझ सकते हैं, आओ देखिए, नोटिस करो, ये मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या हमारा वीबैट शॉर्ट है, या वीबैट के अलावा कोई शॉर्ट है, या कि थर्ड पार्टी जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट है, नोटिस कीजिए। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले वीबैट का जीआर लेंगे, अगर वीबैट का जीआर 0-0 है तो वीबैट शॉर्ट है, पर यहाँ पे जीआर आ रहा है, इसका मतलब वीबैट शॉर्ट नहीं है। अब वीबैट के बाद जो पावर को सप्लाई बनती है वो बीबीएच बनती है, क्या बनती है, बीबीएच, जिसको मैं आपको बताऊंगा, जो सेकेंडरी सप्लाई है, जो ये आईसी बनाने का काम करता है, तो बीबीएच, तो हम बीबीएच को कैसे शॉर्ट करेंगे, चेक करेंगे, उल्टा चेक करेंगे। हम अभी ऐसे चेक कर रहे थे, रेड को यहाँ, ब्लैक को यहाँ, अब रेड को यहाँ रखेंगे, अगर ये रीडिंग, बोलो, अगर ये रीडिंग 1000 से 800 से नीचे है तो बीपीएच लाइन पर लीकेज या शॉर्ट हो सकता है। हेलो यस सर, तो यहाँ पर ये कितनी है, 1400, तो ये भी तो सही बता रही है, पर हमें कैसे पता चलेगा। तो अब हम बकायदा जैसे हमने कल कैपेसिटर पढ़े थे, यस सर, उस हिसाब से सेट बनाना है हमको, हेलो यस सर, इसलिए मैं केस स्टडी लेके आया हूँ, नहीं तो मैं तो कोई और सर्किट की भी केस स्टडी ला सकता था, पर ये केस स्टडी आपके लिए है, ताकि आपको कंपोनेंट को थोड़ा सा आपको पता चले कि प्रैक्टिकल वे में कंपोनेंट को कैसे चेक करना है। हेलो यस सर, अब इसके अंदर फुल शॉट आ रहा है, पर बैटरी कनेक्टर पे कोई भी फुल शॉट नहीं आ रहा, ना हाफ शॉट है, तो कहने का मतलब है कहां है। तो अब हमको ईमानदारी से कैपेसिटर चेक करने पड़ेंगे बजट मोड में, कौन से मोड में चलिए, अच्छा बजट मोड में कैपेसिटर मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा खाली, क्योंकि ये अपना यूएसपी है। हेलो बीप सुनना है या वैल्यू देखनी है, क्योंकि बीप से शॉर्ट बोलते नहीं है, कल एक्सप्लेन किया था ना मैंने, कितने जीरो चाहिए, 3 जीरो, समझ रहे हो, यस सर, 2 जीरो नहीं चाहिए, 2 जीरो भी बीप आएगा, 3 जीरो में भी बीप आएगा, क्योंकि 2 जीरो में अगर हम अगर शॉर्ट कलर मारे हैं और ये सब मारेंगे तो हमारा जबरदस्ती आईसी डैमेज हो जाएगा। हेलो यस सर, देखो बजट मोड में किया, अब ध्यान दो जैसे ये शॉर्ट कर रहा है, कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो। अब इसको पहले हम देखेंगे ये कैपेसिटर है कौन से, क्या हमें डायरेक्टली यही कैपेसिटर मिल गए, क्योंकि यहाँ हमारा शॉर्टिंग नहीं है, हमें यही कैपेसिटर शॉर्ट मिल रहा है, ये और ये डायरेक्टली, यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी शॉर्टिंग नहीं है, ये शॉर्ट है। तो अभी हम कैसे चेक करेंगे, ध्यान दो पहले ग्राउंड का जीआर देखो कितना आ रहा है, ग्राउंड का जीआर बताओ, 0 0 0 0
तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है? जीरो। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है? जीरो। इसका मतलब है कि ये है फुल शॉट। हेलो, यस सर। कोई और फुल शॉट नहीं है, पर यहाँ बहुत सारे कॉम्पोनेंट है। ये भी मार रहा है अभी, ये भी मार रहा है अभी, तो बहुत सारे कॉम्पोनेंट शॉट मार रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे तो ये भी बीप मार रहा है, तो बहुत सारे। तो अपन कैसे पता करें? आओ सबसे पहले अपन इसका बिटमैप खोलेंगे और उसका सर्किट समझेंगे। नोटिस करो, ऐसे नहीं धुआं दे दिया, क्योंकि बैटरी लगाने में कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ गर्म हो रहा है, पर कोई चीज मिल नहीं रही है, क्योंकि उस तक वोल्टेज जा रहा है या नहीं जा रहा है पता नहीं। तो ये है पोको का S3 Pro, इनेबल इफेक्ट, सो पैड और हाई इनपुट, ये तीनों को एक साथ दबा के करना है। तो अब हमारा ये पूरी लाइन शॉर्ट है, तो ये हमारा जो शॉर्ट है, अगर हम देखें तो देखो ये पूरी की पूरे हमारे, अब ये शॉर्टिंग कहीं भी हो सकती है। अब हमें ये शॉर्टिंग ढूंढनी है हमारी। हेलो, yes, क्योंकि अगर हम सारी आईसी उतारते जाएंगे तो फिर तो हमारा हो गया रिपेयर सेट, समझ ना मेरी बात। नहीं मिलेगा तो ना, हम तो काटनी पड़ेगी, कोई नहीं है, क्योंकि जेड तक तो जाना ही है, पर ए से जेड तक जाने के लिए थोड़ा ए और जेड को समझते हैं। तो आओ उसका थोड़ा सा सर्किट समझे, पहले सर्किट क्या है। देखो Poco X3 Pro, सबसे पहले बैटरी कनेक्टर से निकलता है, और वो निकलता है क्या निकलता है, चलिए बताओ, और वी बैट निकलता है, एक आईसी के अंदर जाता है, और वो आईसी है हमारी PMD। बोलो PMD, वो लगी है चमकती हुई लंबी सी, दिख रही है आपको? यस सर। PMD एक पावर, एक इस आईसी को हम कहते हैं चार्जिंग आईसी। बोलो चार्जिंग आईसी। या इस आईसी को कहेंगे डीसी टू डीसी आईसी, कौन सी डीसी टू डीसी आईसी। और ये वी बैट यहां जा रहा है, कुछ कैपेसिटर्स यहां, कुछ यहां, तो इसलिए हमें यहां रीडिंग आ रही है 512 या समथिंग, और ये शॉर्ट नहीं है। पर अब हम ये लगाने के बाद क्यों, क्योंकि डीसी टू डीसी आईसी के अंदर से एक मॉस्फेट लगा होता है, जिसको बैक मॉस्फेट कहते हैं, बेसिकली पी चैनल एल चैनल, ये मैं परसों की क्लास में बताऊंगा। एक डायोड, अभी डायोड के रेंज में इस तरह से एक मॉस्फेट होता है, जैसे ही हम यहाँ पर 4 वोल्टेज देंगे, ये 4 वोल्टेज हमारे इस पैड पे पहुंचेगा, और ये पैड हमारा इस पर क्या बन जाएगा, VDS। ये बन जाएगी प्राइमरी लाइन, क्या बन जाएगी प्राइमरी लाइन, और ये क्या बन जाएगी सेकेंडरी लाइन। क्यों? क्योंकि डायोड की प्रॉपर्टीज है, अगर एक सिरा शॉर्ट हो भी जाता तो दूसरे को शॉर्ट करता नहीं है, क्योंकि डायोड, क्योंकि अगर हमारा BPS लाइन शॉर्ट होता और अगर वो बीबैट से कनेक्ट होता तो हमारी बैटरी फट सकती थी, फूल सकती थी। हेलो, yes, ये प्रोटेक्शन सर्किट है। क्या है प्रोटेक्शन सर्किट, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये सर्किट कहाँ कहाँ जा रहा है, तो सबसे पहले ये सर्किट जा रहा है मेन पावर के अंदर PM, ताकि मेन पावर को जब तक BPH नहीं मिलेगा ना वो क्या बना पाएगा, ना ही वो क्या बना पाएगा किसी प्रकार के। और उसके अलावा फिर ये सर्किट PFO में जा रहा है, नेटवर्क के लाइट आईसी के अंदर जा रहा है, स्पीकर आईसी के अंदर जा रहा है, और नेटवर्क आईसी मतलब तमाम अदर्स जितनी भी आईसी के अंदर जा रहा है, और सब पर आपने कैपेसिटर देखा है आपका। हेलो, यस सर। बट क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम BPH लाइन को पकड़ना है विदाउट आईसी उठाए, तो BPH लाइन के साथ एक स्विचिंग की लाइन होती है, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा, जिसको चार्जिंग स्विचिंग कहते हैं। इसके साथ एक कॉइल होता है, और ये कॉइल इस BPH के साथ कनेक्ट होता है। तो कहने का मतलब है कि हम क्या करें, हम इस कॉइल को रिमूव करेंगे, समझ रहे मेरी बात? यस सर। अगर जब तक हम बैटरी लगाएंगे ये सब कुछ गर्म होगा, हमें सिर्फ एक कैपेसिटर गर्म करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा या कोई आईसी होगी, कुछ भी होगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका फुल शॉर्टिंग हो और एम्पियर आपका कितनी एम्पियर के ऊपर जा रहा हो, चलिए बताओ, 2 एम्पियर कितने एम्पियर के ऊपर, 2 एम्पियर के ऊपर, तब आपने हमेशा पहले किस आईसी को ढूंढना है, चलिए बताओ, और उसका कौन सी कॉइल को ढूंढना है, चार्जिंग स्विचिंग कॉइल, उस कॉइल को निकालने के बाद, बोलो, अब हमें यह देखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शॉर्ट होता है वो डीसी टू डीसी आईसी शॉर्ट होता है। हेलो, यस सर। अगर कॉइल के इधर भी पाए तो हम किसको चेंज करेंगे, आईसी, और अगर इधर भी पाए तो इधर ये पूरी रेल है। हेलो, यस सर। क्योंकि अभी जो BPH बन रहा है वो इसी आईसी से बन रहा है। yes, sir. तो जो बना रहा है वो पहले शॉर्ट हो सकता है। yes, sir. तो हमें ये बिना आईसी उठाए सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारी आईसी शॉर्ट है
या पूरी लिबिया या कोई एक अलग आईसी। हेलो यस सर। तो कैसे करेंगे? हम इस आईसी को, हम इस कॉइल को हटा देंगे। अगर ये पैड शॉर्ट रहा तो क्या शॉर्ट हुई? आईसी। और अगर ये पैड शॉर्ट रहा तो क्या शॉर्ट रहा? बीबीएच, कोई अदर चीज। हेलो यस सर। अब देखो उधर, तो हमारा एक कॉइल किधर है? नोटिस करो, तो आपने कॉइल को ढूंढना है। कॉइल को कैसे ढूंढना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखो, ये आपका पीएनबी आईसी है। इस आईसी के पास एक ही कॉइल लगा है और यही आपका 40 स्विचिंग कॉइल है। इस कॉइल में एक जो सप्लाई है वो आपकी आईसी के साथ जुड़ी हुई है। इनेबल करेंगे, सो पैड करेंगे, आईडी करेंगे। ये देखो, ये केवल आईसी के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर ये सिरा शॉर्ट हुआ तो समझेंगे आईसी बदल दी है। पर अगर हम ये वाले सिरे पर जाए, ये वाला सिरे पर जाए और टच करें, तो तब समझेंगे कि भाई शॉर्टिंग अब हमारे पास इतनी सारी जगह पे। ये बात समझ में आई? हेलो यस सर। अब हमारे पास एक फायदा है, क्या सर? इससे सिर्फ शॉर्टिंग देंगे नहीं, अब शॉर्टिंग मिलेगी नहीं और कैपेसिटर भी या कोई आईसी उठेगी। क्योंकि पहले क्या था, ये यहां से एम्पियर को सीधे ये खुद ले रहा था। हेलो यस सर। अब हमने इस ब्रेक कर दिए, अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, हमेशा यही किया जाता है कि हम इस, हम यहाँ एम्पियर नहीं देंगे, हम इस ओर कितना एम्पियर देंगे? मतलब इस पैड पे एम्पियर डालेंगे। तो जब इस पैड पे डालेंगे तो केवल बीपीएच एम्पियर लेगा। हेलो यस सर। और पूरा रोजिंग लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सी आईसी हमारी उचक रही है। समझ रहे मेरी बात? यस सर। या कौन सा कैपेसिटर या कौन सा कंपोनेंट हमारा उचक रहा है, ये करके। सो आओ देखें। सो देखो, सबसे पहले हम, क्योंकि हमने पूरा दबा रहे हैं और रोजिंग डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये दाल से आया है वो खुद ही बना लेता। समझ रहे मेरी बात? हर आईसी रिकॉल है, सीपीयू किया हुआ है, ये भी आईसी उठाई हुई है, क्योंकि कंपोनेंट ऑलरेडी निकाले हैं, छटके हैं, तो सब कुछ मारा है इन्होंने। बट एटलीस्ट क्या होता था, फुल शॉर्टिंग निकालने के लिए पहले सर्किट को समझना पड़ता है। ऐसा आईफोन के अंदर भी है, आईफोन के अंदर भी डीसी टू डीसी सबसे पहले ब्लर्क होती है। हमें क्या करना है, हमें इस कॉइल को उठाएंगे सबसे पहले। देखो, ये 1 microfarad का कॉइल है, बक कॉइल, ये चार्जिंग स्विचिंग में लगा होता है। अब हमें देखना है कि शॉर्टिंग किस ओर है। अब शॉर्टिंग बढ़ गई है, पहले क्या हो रहा था, हमारा पूरा बी बैंड इस कॉइल से कनेक्ट हो गया था। अब हमारी शॉर्टिंग बढ़ गई है, मतलब अब हमें या इस ओर मिला तो आईसी शॉर्ट है, इस ओर मिला तो कोई तीसरी जगह शॉर्ट है। और अब हम बैटरी पे ना वोल्टेज डालते, इस ओर डालेंगे तो हमारा बीपीएच ही जाएगा। पहले क्या हो रहा था, हम जबरदस्ती बी बैट को ही एम्पियर दे रहे थे, जबकि बी बैट तो शॉर्ट है ही नहीं, और हमें केवल और केवल एम्पियर किसको देना था? बीपीएच को, क्योंकि हमारा कैपेसिटर ढूंढना है और यहाँ सारे कैपेसिटर 0 0 0 0। अब हम किसको उचका है, ये है। तो हम थर्मल का भी देख सकते हैं रोजिंग में, तो हम रोजिंग करेंगे। पहले हम देखते हैं शॉर्टिंग किस ओर है, तो बजट मोड पे हम देख रहे हैं। देखो इधर कोई भी बीप नहीं आ रही है। हेलो यस सर। कोई भी पानी है क्या? नहीं।
इधर आ रही है अभी? यस सर। इसका मतलब ये सिरा शॉर्ट है। अब हम अगर थोड़ा डायग्राम में देखें तो हम देखेंगे कि कौन सा सिरा आईसी के साथ है, तो हमारा ये सिरा बीप नहीं दे रहा है जो कि आईसी के साथ है, मतलब आईसी शॉर्ट नहीं है। अब हमारा हमें ये बताया कि हमारा बीपीएच ही शॉर्ट है, क्या शॉर्ट है बताइए? बीपीएच। तो अब हम तरीके से रोजिंग पंखा बंद करो और रोजिंग देखो, तो पहले तो हम साफ करेंगे क्योंकि इसमें लगेगी नहीं कपड़ा। आउटपुट करेंगे चार का, इसलिए करेंगे क्योंकि ये चार वोल्टेज की लाइन है, यहाँ पर 1.8 करने का सेंस नहीं है, चार ही कर सकते हैं। अगर ये लाइन 1.8 वोल्टेज की होती, 2.8 की होती तो वोल्टेज तो बदलते फिर एम्पियर लेते खाली। अब यहाँ टच करेंगे, अब देखेंगे ये देखो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। yes, sir. Yes, sir. पीछे देखेंगे यहाँ पर भी हो रहा है हेलो। yes, पर ये इसके इधर ही साइड हो रहा है। अब एक बार कंफर्म करने के लिए देखेंगे फिर से रोजिंग लगाकर, ये हमारी एपीटी आईसी है। कौन सी आईसी है? एपीटी। ये आईसी क्या करती है? ये आईसी नेटवर्क बनाती है। अगर ये आईसी उतार दोगे तो पहली तो चीज क्या होगी, आपका रेडियो ऑफ हो जाएगा, मतलब नेटवर्क तो छोड़ दो, आपका कभी नेटवर्क आएगा ही नहीं। नो सर्विस ऑलवेज, रेडियो ऑफ, इसको सैमसंग में कहते हैं हाफ एरोप्लेन मोड। समझ में आ रहा है मेरी बात? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लो आईसी सही है और आउटपुट नहीं दे रही है तो रेडियो ऑन रहेगा, नो सर्विस, नो 4G, नो 4G चलेगा नहीं, केवल 2G नेटवर्क आएगा, हाई बैंड नहीं उठाएगा, कहने का मतलब ये है। अब हम इसको फिर से देखते हैं। अब हमें इस कैपेसिटर में देख पकड़ना है, एपीटी मॉड्यूलेटर सबसे ज्यादा शॉर्ट होता है, और एपीटी मॉड्यूलेटर ध्यान देना ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि पूरे बोर्ड में सबसे ज्यादा वोल्टेज और सबसे ज्यादा बेसिकली यही एपीटी मॉड्यूलेटर, क्योंकि बार बार जब भी नेटवर्क सर्चिंग करता है ये आईसी काम करती है, ये आईसी ऑलवेज काम करती है, सर्चिंग। इसलिए ये नेटवर्क सेक्शन में सबसे ज्यादा CFO और APD, ये इन्हीं पर ज्यादातर वोल्टेज एम्पियर हाई होता है, या हम बोले कि एक ट्रांसिएंट वोल्टेज पैदा होता है। अब देखो, अब मैं एक बार दवा दिखा रहा हूं, आप बताना कौन सा पहला जगह है, ये इधर या IC। तो मैं इधर टच कर रहा हूं जहां मेरा पैड था खुला हुआ, मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे ये हमारा कैपेसिटर ये कनेक्टेड किससे है, तो ये हमारा ये कैपेसिटर हमारी बीपीएच लाइन से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? बीपीएच लाइन से। सेम हमारा, अब हमें ये कैपेसिटर देखना है कि ये बजर मोड पे बीप दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
देयर आर बीप यस सर ये दोनों का 00 दिखा रहा है अब हम इस कैपेसिटर को निकाल देते हैं अब इस कैपेसिटर को फिर से चेक करते हैं अभी कैपेसिटर शॉर्ट होना चाहिए यस सर क्या पता वो तो बीप इसलिए दे रहा था क्योंकि वो तो पहले से बीपीएच लाइन शॉर्ट है ना भाई यस सर अब हमें देखना है कि ये शॉर्ट है या क्या है क्योंकि अगर ये शॉर्ट नहीं है तो ये कोई भी रीड बीप नहीं बजाएगा और गर्म कैपेसिटर तो शॉर्ट हो ही जाता है हेलो यस सर ठंडा कर ले शॉर्ट है ना ये कैपेसिटर यहाँ सर और देखो यहाँ पर थोड़ा ये जला हुआ भी है नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर yes, sir. अब ये जला क्यों है ये जला या तो होगा हमारे शॉर्ट किलर की वजह से ज्यादा एंट्री देने की वजह से या तो जला होगा कि भाई शॉर्टिंग के टाइम पे जला अब हम देखें तो ये लाइन हम वापस देखेंगे कि यहाँ पर हमारा बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो जैसे कि हमने देखा था कि ये हमारा तो बीप था ही नहीं और ये बीप था तो अभी हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है कोई बीप नहीं आ रहा है और हम यहाँ पे जीआर देखेंगे तो हमारे को जीआर मिलना चाहिए हेलो यस सर बीपीएच का जीआर भी उतना ही होता है जितना हम चेक करेंगे 300 से 800 के बीच में तो यहाँ आईसी का जीआर आना चाहिए और यहाँ पे बीपीएच का जीआर है अब इसको एक बार कंफर्म करने के लिए कॉइल को लगाएंगे और फिर से देखेंगे कोई ऑटो एम्पियर ले रहा है कि नहीं ले रहा थोड़े से तो कॉइल को लगा देते हैं वापस पहले देखेंगे कोई शॉर्टिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा और फिर ये भी देखेंगे कि फोन ऑन होता है या नहीं होता है या कोई और भी फॉल्ट है कोई और फॉल्ट होगा तो फिर हम उसको आगे केस स्टडी में बढ़ाएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में और अगर ऑन होता है तो इट्स गुड क्योंकि सीपीयू भी रिवॉल्व है इसका और सीपीयू सही तरीके से रिवॉल्व है नहीं पता क्योंकि सब कुछ बाकी दूसरे से आया है और हम तो एक एक आईसी रिवॉल्व करके खुद से लगाते हैं तो सबसे पहले
हमें देखना है एम्पियर, तो हम वापस 3 एम्पियर पे ले जाएंगे सेट को। ये हमारा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर पे ही चालू करना है सेट सारे, 5 एम्पियर पे ही करना है। और अब हम एक बार फिर से बैठेंगे, उसके बाद बैटरी लगा के चेक करेंगे या चार्जिंग वार्जिंग लगाएंगे। तो एक सिरा ये ग्राउंड पे रख देते हैं यहाँ पर, तो ये टेस्ट पॉइंट है, ये था ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो एक मिनट, मशीन चालू करना है। कुछ ले रहा है क्या? नहीं सर, मतलब ऑटो कंज्यूमिंग खत्म कर दी है ना। अब एक बार हम इसकी बैटरी पर जाएंगे, हमें कैपेसिटर भी लगाना है वो। हेलो यस सर, क्या बताया, क्या ऐसे कैपेसिटर निकालते रहेंगे तो बन गए टेक्नीशियन, समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। डर है तो डर खत्म करेंगे सबसे पहले, तो कहने का मतलब है टाइप सी केबल दीजिए। अभी फिलहाल किस किस को समझ में आया जल्दी बताइए। समझ में आया? यस सर। कि सॉर्टिंग के टाइम पर हम बैटरी से अगर ढूंढेंगे तो कभी भी कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हमें बेसिकली उसके लिए अगर सर्किट को समझेंगे और फिर ढूंढेंगे तो हमें मिल सकता है। समझ में आ रहा है? अननेसेसरी आईसी को उठाकर रिबोल करने की जरूरत नहीं है। सो हमने पीएमबी का रास्ता तोड़ा, नहीं तो हम पीएमबी को उठा देते, पीएम को उठा देते या कैपेसिटर को उठाते रहते, या फिर हम हाई एम्पियर 20 एम्पियर मारते तो हमारा ट्रैक कोई ना कोई पीएफओ से कट जाता। ध्यान देना, हाई एम्पियर नहीं देना है, शॉर्ट किलर नहीं लगाना है, नहीं तो शॉर्ट किलर लगाएंगे और जो जिसने भी शॉर्ट किलर लगा रखा है उसने अपने ट्रैकों को ही मिस एक तरह से तोड़ा है, तो ये नहीं लगाना है। थोड़ा सा समझेंगे आगे जाके। तो हमारे साथ है 28 अगस्त की बैच। यस सर। आज कौन सा दिन है हमारा? तीसरा दिन। तीसरा दिन मतलब पावर, किस किसने डन किया? पावर डन सबने? यस सर। सभी ने? यस सर। सभी ने? यस सर। एशिया टेलीकॉम बोलता है तीसरे दिन पावर मतलब पावर, यस सर। सबका डन होता है? यस सर। चलिए ठीक है, एशिया टेलीकॉम मतलब? एशिया टेलीकॉम मतलब? हमारे साथ है 28 अगस्त की बैच। यस सर। कौन कौन लाइव है? हम सब लाइव है। सब लाइव है? यस सर। तो भाई 10:30 बज रही है और हम क्या करके उठे हैं अभी? सीपीयू रिबाउंड। सीपीयू माउंट रिबाउंड। माउंट रिबाउंड किस किस ने करा है? सबने किया है? यस सर। तो चलिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। यस सर। कल आपके साथ सर्किट की क्लास है देव सर के साथ, तो एक बार क्लिपिंग बनती है सर के साथ। यस सर। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है बापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। आज तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है, तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं चलो मैं एक चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जी जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और एमडी सर का और देव सर का। चलिए ठीक है। मेरा नाम सावन जावेद है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके। मेरे हाथ जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला है। मैं तुमने एंड्रॉइड आया था? एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब मोबाइल रिपेयरिंग और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था, देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिल गया है और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, एमडी सर का बहुत बहुत बड़े धन्यवाद, एक क्लिपिंग हो जाए सर के लिए, बहुत शुक्रिया हमने। टेलीकॉम मतलब?
दान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4थे दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर ईएमसी सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से